दोस्तों, किसी चीज को तोड़ना सरल होता है, जोड़ना कठिन होता है। किसी का अपमान करना सरल होता है, किसी का सम्मान करना कठिन होता है। ऐसी तो दुनिया की फितरत है। ये साइड में वीडियो एक चल रहा है बाबा बागेश्वर का। इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा बागेश्वर को एक उनका भक्त जा करके उनके पैरों में गिर पड़ता है और उसके बाद में बाबा बागेश्वर के सेवादार जो होते हैं वो उसे उठा करके साइड में खड़ा कर देते हैं। बागेश्वर बाबा भी उसे देखते हैं तो थोड़ा सा उनके आंखों को देख करके लगता है कि उन्हें कोई तकलीफ हुई। इस वीडियो की सच्चाई क्या है उसको बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि लोग किसी चीज के बारे में तह तक जाते नहीं है, किसी चीज की जानकारी लेते नहीं है, उसके पहले ही अपने ज्ञान देने लग जाते हैं। इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो लोगों ने जम करके इसको शेयर भी किया, लोग इस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं भर भर के। बहुत सारे लोग बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में हैं तो वहीं बहुत सारे लोग बाबा बागेश्वर के विरोध में खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह के अपने कमेंट्स कर रहे हैं कि ये गरीब भक्त को दर्शन नहीं देने दे रहे हैं, ये लोग बेवकूफ हैं जो जाकर के ऐसे बाबाओं के चरण पड़ते हैं, अरे क्या पड़ी है, वो कोई भगवान नहीं है, ऐसा है वैसा है। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में भी बोल रहे हैं कि गुरुदेव महाराज को चोट लग गई। लेकिन गुरुदेव महाराज को चोट लग गई या उन्हें तकलीफ हुई, ऐसा कमेंट्स करने वाले कम लोग हैं। बाबा बागेश्वर की बुराई करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इस वीडियो पर डिस्कस करने के लिए मुझे आपके समक्ष आना पड़ा है। चलिए इस वीडियो की सच्चाई बताते हैं आपको। ये वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो है जब गुरुदेव महाराज इसी वर्ष गया जी में गए थे, उसी दौरान उनके एक परम सेवक अमन कुमार पांडे का निधन हो गया था। उसके बाद गुरुदेव महाराज वहां से भागते हुए यहां पे आए अचानक से, और उन्होंने दो दिन से ना ही सोया था ना ही कुछ खाया था। आप चेहरे पे देख सकते हैं गुरुदेव महाराज के कि हैरानी और परेशानी भरी हुई है, यानी वो वैसे भी परेशान हैं। उस दौरान गुरुदेव महाराज जब जा रहे होते हैं तो अचानक से एक भक्त उनके सामने पैरों में गिर पड़ता है। पैर में गिरते ही उसके बड़े बड़े नाखून गुरुदेव महाराज के चरणों में चुभ जाते हैं, उन्हें खून बहने लग जाता है। अब आप सोच करके बताइए, जिनके सिक्योरिटी में वाई कैटेगरी की पुलिस फोर्सेज और कमांडोज लगी हुई है, जिनकी प्रभुता इतनी महान है, ऐसे गुरु को पहले से जो परेशान है उनको और परेशानी में डालना कहां तक सही है? क्या उस भक्त ने इस तरह से गिर करके सही किया? अब आप अपने हृदय पर हाथ रख करके बताइए कि क्या उसने सही किया? इसके अलावा भी गुरुदेव महाराज कुछ कहते नहीं है उसे। ऐसे कई भक्त हैं जो गुरुदेव महाराज के सामने आते हैं तो उनके सिक्योरिटी या गार्ड जो होते हैं, जो कमांडोज होते हैं, उनको भी रोक करके गुरुदेव महाराज भक्त से मिलते हैं। उनकी तो महिमा ऐसी है कि आपने कई बार देखा होगा कि वो भक्तों के लिए सुनते हैं कोई तकलीफ में है तो दौड़ पड़ते हैं, रास्ते में जाकर के मिल लेते हैं। ऐसे गुरु महाराज के लिए जो अपने बॉडी गार्ड को रोक करके भक्तों से मिल लेते हैं, उन्हें आने देते हैं अपने पास, ऐसे गुरु महाराज के लिए जरा सा भी देर नहीं लगी लोगों को उल्टा सीधा बोलते हुए। जो हजारों करोड़ों लोगों के लिए जी रहे हैं, जो लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो लगातार कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, ऐसे अच्छे कर्म करने वाले महाराज के लिए लोगों की जबान नहीं लड़खड़ाती, फटाक से अपनी बातें उगलने लग जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी की बुराई करना सरल होता है मित्रों, थोड़ा सा अच्छाई भी खोजने की कोशिश किया करें। आप सभी क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट में लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की।